दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय इको नेशनल पेंट और लक्ष्मी वाल पुट्टी। दिल के रंग दीवारों पर, लोकल अपनाओ वोकल बनो। हिमाचल का अपना मैन्युफैक्चरिंग उद्योग। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रोहित कंवर 8580505060। भारतीय चीन बॉर्डर पर चीन द्वारा हमला करने वो 20 भारतीय जवानों के शहीद होने से शिवसेना में भी बवाल है। शिवसेना हिमाचल पंजाब के प्रदेशाध्यक्ष रमेश कालिया ने अमनी में चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंका तथा जोरदार रोष प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि शिवसेना भी अब चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार चीन की कंपनियों से किए टेंडरों व अन्य समझौतों को रद्द करे तथा चीन को उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाए। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के खिलाफ जल्द से जल्द कोई निर्णय लें ताकि चीन को सबक सिखाया जा सके। हम जहां पहुंचे थे अपना ज्वाली विधानसभा क्षेत्र का जो क्षेत्र आता है मस्तगढ़ जोटिया, जहां पर हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष सुशील कुमार जी और उसके साथ साथ मेरे दूत के शिवसेना के जिला कांगड़ा के अध्यक्ष कर्ण पठानिया जी और हमारी मातृ शक्ति हमारे साथ जहां पे खड़े थे। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा कपूर जी का और जितने भी मेरे यहां बुजुर्ग माताएं बहनें हैं उनका धन्यवाद करता हूं कि आज जहां पर ये पुतला दहन जो किया गया है वो चीन के राष्ट्रपति का किया गया है। कि आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले की बात है कि भारतीय सेना के ऊपर हमला हुआ और जिसमें काफ़ी हद तक भारतीय सैनिक शहीद हुए। तो जो ये पुतला जाने की आज जो रस्म निभाई गई है, जो एक चेतावनी दी गई है चीन को कि हम सब भारतीय इकट्ठे हैं और इकट्ठे ही रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी सभी जहां मेरे हिमाचल वासियों को बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे दुकानदार लवी है, जितने दुकानदार उनसे कि निर्णय रहेगा कि कोई भी दुकानदार अपनी दुकान पर चीन का सामान ना बेचे। ये आप मेरी चेतावनी समझ लें कि शिवसेना की तरफ से आप चेतावनी समझें या सलाह समझ लें, कोई भी दुकानदार अपनी दुकान पे चीन का सामान ना बेचे। क्योंकि आने वाले समय पे हम सभी दुकानें चेक करेंगे और अगर हमें कोई दुकानदार चीन का सामान बेचता हुआ दिखाई दिया तो फिर उसकी जिम्मेवारी वो खुद ही होगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए ज्वाली से सुनील दत्त की रिपोर्ट।